दरगाह कमेटी से कोई एक ऐसा बंदा नहीं है जो यहाँ के बोले कि इन बाबा लोगों को क्या परेशानी है। ये अपने देश से, अपने विदेश से, मेहरौली से, हर जगह से अपने घर परिवार बच्चे छोड़ के आते हैं। यहाँ इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, किसी को बोलना नहीं है। जिला प्रशासन को बोलना है, जिला प्रशासन, जिला प्रशासन, जिला प्रशासन, जिला प्रशासन, जिला प्रशासन, जिला प्रशासन, जिला प्रशासन। ख्वाजा गरीब नवाज के 811वें उर्स में देश के कोने कोने से शामिल होने आए मलंग और कलंदरों ने जिला प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए नारेबाजी की। मलंगों ने बताया कि सुबह से तेज बारिश हो रही है, लेकिन उनके ठहरने और मूलभूत सुविधाओं के लिए प्रशासन द्वारा कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। साथ ही उन्हें जो झोंपड़ी दी गई है उसमें पानी भर गया है, जिसके कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेहरौली बाबा कुतब से आए हैं जमात लेके। ये हमारी जमात के सरदार हैं, मालिक भरोसा। यहाँ परेशानी है जो आप देख ही रहे हैं, आज बारिश कितनी है यहाँ पे। ना टेंट की हमें सुविधा मिलती है, ना किसी चीज़ की सुविधा मिलती है हमारे को। 13-14 दिन हम सफ़र में, जंगल में, इतना दुनिया भर का परेशानी उठा के बाबा लोग पैदल आते हैं। पैरों में छाले होते हैं इनके, इतने मोटे मोटे छाले होते हैं। कोई देखने वाला नहीं है यहाँ गरीब नवाज में। कमेटी कुछ करती नहीं है। पैसा दुनिया भर का आता है, सब रिफंड आता है, सब खा जाती है। यहाँ कुछ भी किसी बाबाओं को कोई सुविधा नहीं मिलती है। ये सब बाबा लोग आज देखो, ये देखो, यहाँ देखो कितनी परेशानियाँ हो रही हैं। पूरे कोई झुग्गी में सो रहा है, कहाँ वहाँ सो रहा है। यहाँ खाना बनता है, ना पानी की सुविधा, ना लेटरिन की सुविधा, ना नहाने की सुविधा। बाबा लोग यहाँ 40-40 रुपये का ये टीन देते हैं बाबा लोगों को नहाने के लिए। अब जो पैदल चल के आया है वो अपनी जेब से यहाँ पैसा भी खर्च करे, और यहाँ कोई देखने वाला नहीं आता है। दरगाह कमेटी से कोई एक ऐसा बंदा नहीं है जो यहाँ के बोले कि इन बाबा लोगों को क्या परेशानी है। ये अपने देश से, अपने विदेश से, मेहरौली से, हर जगह से अपने घर परिवार बच्चे छोड़ के आते हैं। यहाँ इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। तो कलकत्ता से आया हूँ दिल्ली, और दिल्ली से पैदल अजमेर आए, और यहाँ के देखिए इस तरह के प्रशासन जो है हमारा लोगों पे, पैदल चलने वालों को कोई सुविधा नहीं दी है। अब तक ये गरीब नवाज अमन शांति के दुआ के लिए आते हैं, और हम मलंग सब के लिए दुआ खैर करते हुए आते हैं। और हम मलंग जब ख्वाजा साहब के दरबार पे आते हैं तो हमारे लोगों को कोई प्रशासन हमारे लोगों को कोई साथ नहीं देते हैं। और गांव वाले गरीब बच्चे क्या करेंगे, वो अपने घरों से जो भी होता है उनों से प्लास्टिक तिरपाल हमारे लोगों को दे के साधन करती है। मगर यहाँ के दरगाह कमेटी से या प्रशासन से या कि यहाँ के नेताओं से, यहाँ के मेम्बरों से हमारे लोगों को कोई साधन नहीं। हमारे लोगों का खेमा टूट चुका है, राशन बिक चुकी है। हमारा छठी के खाना हमारा लोगों का अब तक बन नहीं पाया। हमारा सारा निजाम खराब हो चुकी है। मर्जी मौला गरीब नमाज में क्या जाने किसकी नज़र छाया पड़ गई है, जो इस तरह का हमारे दिन गुजारने पड़ रहे हैं। बस हमारे लोगों को ये सब जितने भी छड़ियों में आए सबके लिए आप प्रशासन से गुजारिश है कि आप हमारे लोगों की तरफ जरूर ध्यान दें। ऐसा मार्ग जो लाइफ कंसल्ट लेकर आया है आपके लिए, नंबर 1 चक्की से पिसे शुद्ध मसाले और सभी तरह के अनाज अपनी आंखों के सामने पिसवाएं। रसोई से संबंधित कोई भी मसाला या अनाज, 100% शुद्ध कच्ची घानी तेल, रसोई से जुड़ा हर तरह का सामान उपलब्ध। साथ ही 2000 रूपए की खरीदारी पर फ्री होम डिलीवरी। तो चले आइए नेहा फ्रेश मार्ट, मोती विहार कॉलोनी, महादेव मार्बल के पीछे, बांडी नदी पुलिया, रामनगर पुष्कर रोड, अजमेर। 9929090152